मारवाड़ी मिलिट्री आप देख रहे हैं। आज है 15 मार्च 2024 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि फाल्गुन माह की षष्ठी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ और इस खबर का कहीं ना कहीं आपको लंबे समय से इंतजार भी था। बड़ी खबर, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अब जाकर बड़ा फैसला लिया है। सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने वेट में 2% कटौती की है। रेट में कटौती से पेट्रोल के रेट 1.40 रुपए से लेकर 5.30 रुपए तक कम होंगे और डीजल की बात करें तो 1.34 रुपए से लेकर 4.85 रुपए तक डीजल के भाव कम होंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पेट्रोल डीजल पर कम हुई कीमतें शुक्रवार सुबह यानी कि आज सुबह 6 बजे से लागू होगी, यानी कि आज से पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, राजस्थान को डबल फायदा मिलेगा। दरअसल पहले राजस्थान सरकार ने वेट घटा दिया और उसके बाद केंद्र सरकार ने देश भर में सीधे 2 रुपए की कटौती पेट्रोल और डीजल के भाव में की है, जिसकी वजह से राजस्थान को डबल राहत मिलेगी। दरअसल बड़ी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है। अच्छा, राजस्थान के लिए एक और राहत की खबर है। अभी तक आपने देखा होगा राजस्थान के अलग अलग शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट अलग अलग होते थे, उस विसंगति को भी सरकार ने दूर कर दिया है। अब हर जिले में एक ही रेट होगा। एक और बड़ी खबर है, राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा दिया है। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि DA 4% बढ़ा दिया है। यानी कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए सरकार अब ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। आपको याद होगा महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को मोदी सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी 100 रुपए कम करने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 806.50 रुपए हो गई है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी और राहत वाली खबर है, क्योंकि भारत की थोक महंगाई फरवरी में कम होकर 0.20% पर आ गई है। जनवरी में यह 0.27% रही थी, यानी कि महंगाई का यह 4 महीने का निचला स्तर भी है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंतिम दौर में पहुंच गई है। राहुल इस समय महाराष्ट्र में है। इस दौरान 14 मार्च को राहुल ने अपने एक्स अकाउंट पर 5 गारंटियां दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि MSP को स्वामी नाथन आयोग के फार्मूले के तहत कानूनी दर्जा देने की गारंटी हम देते हैं, साथ ही में किसानों के ऋण माफ करवाने और ऋण माफी की राशि निर्धारित करने के लिए भी एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग बनाने की भी गारंटी देते हैं। बीमा योजना में परिवर्तन कर फसलों का नुकसान होने पर 30 दिनों के अंदर सीधे बैंक खातों में भुगतान सुनिश्चित करने की भी गारंटी और किसानों के हित को आगे रखते हुए एक नई आयात निर्यात नीति बनाने की भी राहुल गांधी ने गारंटी दी है। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विशेष योग्यजन निदेशालय के अधीन विशेष विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए स्कूल एट होम शैक्षणिक हेल्पलाइन सेवा को लॉन्च किया है। उन्होंने बताया कि स्कूल एट होम कार्यक्रम एक समावेशी शैक्षणिक पहल है जो स्कूली शिक्षा को सीधे दिव्यांगजन बच्चों और विशेष योग्यजन बच्चों तक पहुंचेगी। दरअसल आपको बता दूं, अगर मान लीजिए कोई दिव्यांगजन बच्चा है या विशेष योग्यजन बच्चा है यानी कि विकलांग है, तो उसको घर पर ही शिक्षा मिलेगी। उसके लिए आपको टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं। अगर कोई विशेष जन बच्चा है तो इन नंबरों पर कॉल करनी होगी, उसके बाद छात्र घर बैठे ही शिक्षा ले सकेंगे। आगे बढ़ेंगे राजस्थान से एक और बड़ी खबर, डीडवाना कुचामन के 4 युवकों को जबरन रूसी सेना में भर्ती करने का मामला सामने आया है। एक युवक के यूक्रेन से युद्ध लड़ते समय हाथ पैर में गोली भी लगी है। रूस से युवक को कॉल आया तो घर वालों की नींद उड़ गई। युवक की पत्नी का दावा है कि उसका पति सेना के अस्पताल में भर्ती है। वहीं नेमाराम की पत्नी ने एजेंट के खिलाफ धोखे से पति को युद्ध क्षेत्र में भेजने का मामला दर्ज करवाया है। यूक्रेन में फंसे युवक की पत्नी सुनीता ने बताया, डीडवाना के ही एक एजेंट ने विदेश में कंप्यूटर ऑपरेटर की ट्रेनिंग के लिए मेरे पति को रूस भेजा था। अब बताया जा रहा है गांव के कुछ लोग दिल्ली में है, वह विदेश मंत्रालय में जाकर बेटे की घर वापसी की गुहार लगाएंगे।
आगे बढ़ते हैं आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर। फ्री में आधार अपडेट करने के लिए डेडलाइन को फिर से 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि आप अब अपने आधार कार्ड को 14 जून तक फ्री में अपडेट करवा सकेंगे। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। पहले डेडलाइन 3 महीने बढ़ाकर 14 मार्च की थी, उसके बाद 3 महीने और बढ़ा दिया है। जिन्हें 10 साल पहले आधार कार्ड मिला था और उन्होंने अपना आधार कार्ड एक बार भी अपडेट नहीं करवाया है तो करवा ले। आगे बढ़ते हैं आपके लिए एक और बड़ी और बेहद काम की खबर। मेवात के अपराधी ठगी के नए नए तरीके अपना रहे हैं, और बड़ी बात तो यह है पिछले 1.5 महीने में 1 दर्जन से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें ठगों ने फर्जी ज्योतिषी बनकर वीडियो कॉल किया या फिर किसी और झांसे में लेकर मोटी रकम वसूल ली। ठगी के नए ट्रेंड का तोड़ अभी पुलिस भी नहीं निकाल पाई है। 22 फरवरी 2024 का ही केस है। जसवंत नगर निवासी रिशपाल सिंह बिहारी जी मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे। रास्ते में 2 ठगों ने लक्ष्मी माता के दर्शन कराने के नाम पर सोने की अंगूठी और 2800 रुपए ठग लिए। वहीं बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, आजकल एक फ्रॉड और चल रहा है जो ऑफलाइन होता है। होता क्या है, पहले तो आपको एक दो जो लड़के होते हैं वह रास्ता पूछेंगे, उसके बाद आपको अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाएंगे और कहेंगे कि वह लॉटरी का काम करते हैं, आप भी लॉटरी खुलवा लीजिए। फिर वह एक बार के लिए आपके सामने ही, यानी कि यह जो फ्रॉड होता है यह फेस टू फेस होता है, मोबाइल पर नहीं होता, आपके नाम का कार्ड स्क्रैच करेंगे और बोलेंगे कि आपने 1 लाख रुपए का इनाम जीता है, आप हमें 10,000 रुपए या फिर 5,000 रुपए दीजिए। अब आपके जेब में जितने पैसे हैं वह आप उनको सौंप देंगे और जब उनकी पैसे देने की बारी आएगी तब आपको बोलेंगे कि किसी तीसरे आदमी को बुलाइए ताकि उनके सामने आपको पैसे दे सके। ऐसे में आपको उन पर विश्वास हो जाएगा कि यह आदमी पक्के हैं। जैसे ही आप तीसरे आदमी की तलाश में इधर उधर झांकेंगे या देखेंगे, उतने में वह बाइक लेकर रप्पू चक्कर हो जाएंगे और आपके पैसे भी चले जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, अनजान व्यक्ति आपको मिले और किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा लालच दे तो अपने आप को समझा ले कि मेरे साथ बड़ा फ्रॉड हो सकता है। यहाँ पर आप समझदारी दिखाते हैं तो फ्रॉड से बच सकते हैं, लेकिन थोड़े से लालच में आ गए तो आपके पास जो भी पैसा है वो चला जाएगा। यानी कि ऑनलाइन के साथ साथ अब ऑफलाइन ठगी यानी कि फेस टू फेस ठगी करने के भी लोग नए नए तरीके अपना रहे हैं। इससे बचने का एक ही तरीका है, आप लालच में बिल्कुल न आए और सावधान रहे। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है, क्योंकि राजस्थान का मौसम एक बार फिर तेजी से बदल रहा है। ठंड धीरे धीरे प्रदेश से अलविदा हो रही है। मौसम विभाग का नया प्रेडिक्शन है कि आने वाले दिनों में अब तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि 15, 16 और 17 मार्च तक मौसम शुष्क रहने के आसार है। आने वाले दिनों में पारे में उछाल आने से गर्मी का असर तेज होगा, लेकिन राहत की बात यह है 17 मार्च तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के सरस ब्रांड का ऊंटनी का दूध लॉन्च किया है। शुरुआत में ऊंटनी का दूध बीकानेर में सरस डेयरी बूथों पर उपलब्ध होगा, उसके बाद सफल विपणन के बाद पूरे राज्य में ऊंटनी का दूध पहुँचेगा। आपको बता दूं, कई गंभीर बीमारियों में ऊंटनी का दूध काफी उपयोगी साबित होता है। ऐसे में सरकार ने यह कदम उठाया है, और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, आने वाले दिनों में जब आप मार्केट में ऊंटनी का दूध खरीदने के लिए जाओगे तो 200 ml पाउच के लिए आपको 20 रुपए देने होंगे। बड़ी खबर यह है, अब पूरे राजस्थान में आपको पाउच में ऊंटनी का दूध भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को घोषणा की है कि राजस्थान के 31 प्रमुख जिलों में सड़कों और राज्य राजमार्गों के चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए 972.80 करोड़ रुपए का परिव्यय मंजूर किया गया है। यानी कि आने वाले दिनों में राजस्थान के 31 जिलों की सड़कें चौड़ी होगी और सड़कों में सुधार होगा। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दावा किया है कि अब की बार बीजेपी राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतेगी, क्योंकि हमारी सरकार सभी गारंटियों को पूरा कर दिया है और जो बची हुई गारंटियां हैं वह भी हम जल्द ही पूरी कर देंगे। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। राज्य सरकार ने गुरुवार को 70 RPS के ट्रांसफर कर दिए हैं, और बड़ी खबर तो यह है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सुरक्षा में लगे 2 DSP सहित 3 लोगों को हटा दिया है। इन्हें अब पुलिस ट्रेनिंग स्कूल भेजा है। आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को कोलकाता स्थित अपने
ही घर में गिरने से गंभीर रूप से चोटिल हो गई। टीएमसी ने बताया कि उनके माथे पर गंभीर चोटें आई है। बताया जा रहा है ममता कालीघाट स्थित अपने घर में टहल रही थी, तभी औंधे मुंह गिरी और उनके सर पर चोट लगी। उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि हादसे की मुख्य वजह अभी तक साफ नहीं हुई है। लेकिन बड़ी खबर यह है, पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी गुरुवार को कोलकाता स्थित अपने घर पर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई और उनका इलाज जारी है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।